हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल आसानी से बन जाने वाला मार्केट स्टाइल पाव भाजी, जिसके लिए हमने कुछ सब्जियाँ उबाल के रख ली हैं। और ये 4 लहसुन और 2 हरी मिर्च और 2 प्याज और 1 शिमला मिर्च को कट करके रख लिया है। और ये थोड़े से धनिया का पत्ता है और ये 2 टमाटर हैं। और ये सूखे मसालों में हमने लिया है 2 चम्मच पाव भाजी मसाला, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च और 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी। तो अब हम एक कढ़ाई गरम करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच सरसों तेल और भाजी को बटरी फ्लेवर देने के लिए इसमें डालेंगे ढेर सारा बटर। बटर को मेल्ट होने देते हैं। तो ये बटर मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन और हरी मिर्च जो हमने कट करके रखा था और इसे हल्का सा भूनेंगे, बस इससे कच्चापन निकलने तक। तो भून चुका है। अब इसमें डालेंगे शिमला मिर्च और प्याज, इसको हल्का सा सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। तो इसे चला लेते हैं। तो ये हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें डालेंगे टमाटर और टमाटर को भी सॉफ्ट करेंगे इसमें। तो थोड़ा सा जल्दी होने के लिए इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, तो इससे जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। मिक्स कर लेंगे। तो ये सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे अपने उबले हुए सब्जियाँ। तो हमने सब्जियों में मटर, फूलगोभी, आलू और 1 गाजर हमने उबाल के रखा था। तो अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले, धनिया का पत्ता। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ये मसालों को सब्जियों के साथ 2 मिनट तक भूनेंगे। तो ये 2 मिनट हो चुका है और ये मसाले और सब्जियां भून चुकी हैं। और इसमें डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी, हमने क्रश करके डाला है, और 1 चम्मच नमक। तो ध्यान रहे हमने पहले भी डाला था नमक, उसी हिसाब से डालेंगे। और इस तरीके से मैशर से मैश कर लेंगे इसे अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स, ये हमने सब्जियों को अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। अब इसके बाद डालेंगे 1 चम्मच बटर और 1/2 नींबू का रस हम इसमें निचोड़ लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे जो हमने सब्जियों से पानी निकाल कर रखा था, उबली हुई सब्जियों से। तो फ्रेंड्स, ये पानी बहुत काम की होती है, उसे हम वेस्ट नहीं करेंगे, फेंकेंगे नहीं। इसी में डाल के और अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे। 2 मिनट तक हमने पकाया है इसे। तो फ्रेंड्स, ये भाजी बनके तैयार है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। अब हम पाव को तैयार करेंगे। तो ये हम पाव को बीच से कट लगा लेते हैं इस तरीके से। और तवा हमने गरम करके रखा है। अब इस पे डालेंगे 1 चम्मच बटर। तो अच्छे से हमने बटर लगाना है इस पे और पाव को हम एक तरफ से सेकेंगे और इसके ऊपर भी बटर लगाएंगे। तो 1 चम्मच बटर हम इस पे लगा लेते हैं और इसे दूसरी तरफ पलट लेते हैं। तो ये हमने दूसरी तरफ भी सेक लिया है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी पाव भाजी बनके तैयार है, बिल्कुल टेस्टी। और ये हमने थोड़ी सी धनिया का पत्ता और 1 चम्मच बटर डाला है लास्ट में सर्व करने के टाइम।